या कंचे कर लो रे छोड़ फोन फोन कुंडा और अपना अरे फोन फोन खेले हो ये कंचे नहीं खेले। तो एक क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का, देखेंगे क्या तीज मारते हो आप और फिर आगे चलेंगे। गोपी अच्छा एक प्रॉब्लम पूछ रही है। हाँ जी ये अभी अभी कराएंगे सर, टेंशन ना लो, उसके बाद पूछ लीजिएगा सारा हम करेंगे। अभी हम थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग करके ना उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे या वन टू जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे करेंगे, है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, टेंशन ना लो, शुरू से आखिर तक सब करेंगे। है भाई कॉपी निकाल ली हमने, बहुत टाइम लगा था कॉपी निकालने में। हाँ जी लिखो भाई जवानों, देखो भाई ये लिख रहा है, मैं आपको सब टाइप बता चुका हूँ, हालांकि इतने अच्छे क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में ना आए लेकिन आएंगे फिर भी अच्छे क्वेश्चन। देखो भाई ये लिखा है कंप्यूटर, कंप्यूटर इसका कोड है भाई 3 4 1 3 1 6 5 2 0 2 1 8। उसके बाद लिखा हुआ इंटर INTER और इसका कोड बताना है आपको बताओ करो भाई करो जवानों। जिसने कर दिया ओनली रेज योर हैंड, और ग्रुप स्टडी नहीं करनी अगला इंडिविजुअल करना है, ये क्वेश्चन है। विदुषी करो मेहनत, तुम्हारा तो नाम ही स्कॉलर है, स्कॉलर स्कॉलर मतलब विद्वान, तो फीमेल विद्वान मतलब विदुषी नहीं तो अच्छी बात है, मतलब नाम का मतलब है। जैसे मेरा नाम क्या है पता ही होगा आपको, आशु चौधरी। और एशिया कॉन्टिनेंट जानते ना, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट में जो एशिया वर्ड है द वर्ड एशिया ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड आशु, दैट वर्ड इज ऑफ हिब्रू लैंग्वेज विच मीन्स द राइजिंग सन। हाँ हमारा नाम एशिया पे नहीं है, एशिया नाम ऐसा है आज के जमाने में, अपनी तारीफ खुद ही कर लो, कोई करे ना करे, और हंसते रहो मुस्कुराते रहो ताकि किसी को पता ना चले कि तुम शादीशुदा हो, ठीक है। चलो हाँ भाई जवानों क्या व्हाट्सएप व्हाट्सएप चल रहा है, नहीं कर लिया क्वेश्चन, अरे वाह बिल्कुल गलत जवाब, और मेहनत करें इसमें। हाँ भाई सुभारती क्या हाल चाल हो गए आपके, बढ़िया हो गया क्वेश्चन, नंदनी हो गया क्वेश्चन, नहीं हाँ भाई मिस्टर अनन्य क्या कर रहे हो, आज सीट चेंज कर दी तुमने, दोस्ती दरार नहीं, और भाई लव तुम्हारा तो नाम ही लव है। हो गया किसी ने नहीं किया क्वेश्चन ये, अच्छा एक बच्चे ने कर लिया, नाम क्या आपका, सुहानी, वाओ व्हाट अ सनी डे, ऐसा कुछ सुहानी मतलब तो सुहानी के अलावा किसने किया भाई, और कोई सुहाना उधर से इधर वार्ड नंबर 2 से कोई है ऐसा नहीं, तो सुहानी बड़ी अच्छी बच्ची है, डे 1 से इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, आपने भी कर लिया, श्रेय आपका नाम, और तुमने भी कर लिया, तुम्हारा नाम क्या है, हर्ष, ARSH अर्श, अरे वाह
और किसने कर लिया भाई? तो आर्ट से आंसर पूछ रहे, देखो भाई आर्ट से आंसर बता रहा, सुनो जानो बताएगा। अरे नहीं आर्ट, ये तो कुछ अलग हो गया। हाँ जी श्रेया, सुहानी से बड़ी उम्मीद है हमें, देखो अब पता नहीं। सुहानी सुनो जाओ, ओ नो भाई क्या बता दिया आपने, और मैत्री नहीं? एक बच्चा लग रहा है इस क्वेश्चन, बिल्कुल सही उधर नहीं, मैं देखो भाई इसमें कुछ समझ में तो आ रहा होगा तो नहीं क्या रहा है? हाँ देखो देखो ये बता दें कुछ। हाँ जी हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ये तो सुनना चाह रहे थे मैथ्स लैंग, चलो क्या ये बता। हाँ भाई प्रेरणा हुआ नहीं? नो नो नो, ये फोन नंबर थोड़ा ना 9 से शुरू होगा, आजकल तो फोन नंबर भी 9 से शुरू नहीं हो रहे, जैसे उनका फोन नंबर 9 से शुरू होता ही नहीं। सी कौन से नंबर आएगा? 3। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कर दिया तुमने, 3 में आ गया। ओ किस में आएगा? 9 सॉरी 13। भाई देखो ऐसा है, ओ का इन्होंने कुछ और चक्कर है, और चक्कर क्या हम देखेंगे हम। एम कौन सा आएगा? बिल्कुल ठीक। पी किस पे आएगा? बहुत बढ़िया। यू किस पे आएगा? गड़बड़ है, यू आएगा हमारा वैसे 21 पे, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। आओ भैया आओ जवान। टी किस पे आएगा हमारा? 20 पे, बहुत बढ़िया। ई किस पे आएगा? भाई 5 पे आता है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। आर किस पे आएगा? आपको याद हो मैंने आपको सारे टाइप करा दिए, तो मैंने कहा था फिर ऐसे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया था ऐसे, मतलब इसे सर्कल में, कि भैया वोवल और कॉन्सोनेंट के बिहाफ पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सोनेंट क्या है, वही है वोवल के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, छेड़छाड़ तो आती होगी आपसे नहीं कर दो वोवल के साथ। हाँ भाई पलकें बताओ फटाफट, वोवल के साथ क्या हो रहा? परी नहीं, सुभारती। सुभारती बड़ी अच्छी बच्ची है क्लास की, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, दैट इज सुभारती परफॉर्मेंस। देखो भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, अब तो सब कर ही लोगे क्या। देखो भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लाजवाब, इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सुभारती, एक्सीलेंट। देखो भाई जवानो यहाँ पे ओ है, देखो यहाँ पे यू है और यहाँ पे ई है, ये तो हमें पता चल गया क्या है, वोवल्स हैं। हालांकि इतना टफ सा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अच्छा कर लो ताकि एग्जाम में जैसा आ जाए आप फटाफट कर दो, है ना, कोई दिक्कत परेशान नहीं हो। पैटर्न में ऑलरेडी सब बचा चुका हूँ, ये तो एक्स्ट्रा था मैंने कहा चलो इससे शुरुआत कर लेते हैं। देखिए अभी अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि देखो वोवल को अलग इन्होंने क्या हुआ है, अब वोवल के साथ क्या हुआ कैसे पता चलेगा। देखो हमें एक स्लाइटली अंदाज हो गया, ई हमारा वोवल पहले आ रहा है, और ई को किससे रिप्रेजेंट करें? 2 से। यू हमारा सबसे बाद में आ रहा है, और यू कौन से नंबर पर आ रहा है? 5 नंबर पर। तो हमें कुछ लॉजिकली समझ में आ रहा है, जो बाद में उसका नंबर ज़्यादा है, जो कम है उसका नंबर कम है। और वोवल देखो यही होते हैं टी ई आई एल यू, ये होता है भाई, अच्छा ओ ही होता है। अब इनके नंबर है 1 2 3 4 5, बस इनको इस नंबर के अकॉर्डिंग प्लेसिंग कर दिया, कि जो पहले आ रहा हो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आ रहा है दूसरे नंबर पर, ठीक है। अब देखो ओ किस नंबर पर आता है भाई? 4 पे, ओ के लिए 4 है। यू किस नंबर पे आता है? यू आता है 5 पे, 5 है। ई किस पे आता है? 2 पे, तो 2 है, बहुत बढ़िया। आई कौन से नंबर पे आता है? 3 पे, बहुत अच्छे। कॉन्सोनेंट सेम नंबर पे आएगा, बताओ कौन सा आएगा? 14। टी 20 पे भी ऐसे हमने याद किया था। ई किस पे आएगा? 2। ई ये रहा हमारा 2 एंड आर 18, तो आंसर इज 314 20 218। आपने बोला ना किस किस ने सुना भाई चलो अगर आपने बोला तो बहुत बढ़िया, अनन्य परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट। वैसे सुना नहीं है किसी को भी ये फोन पर, तुमने बोल दिया तुमने किसी को आंसर ये है जी, कर लोगे? तो कोडिंग डिकोडिंग जो पैटर्न हो सकते थे वो कर लिए थे। एक और हम इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप का, और फिर हम करें। दो बच्चों को दिक्कत है। हाँ जी ये 3 कैसे आ गया?
ये ऐसे आ गया, ए को नंबर दे दिया 1, ई को नंबर दे दिया 2, आई को नंबर दे दिया 3, वैसे तो आई नो पे होता है, ओ को नंबर दे दिया यू, वो 4 और यू को 5। वॉवल्स को एक तरीके से अलग अलग नंबरिंग कर दी इनकी, ठीक है। और इंग्लिश तो आपने पढ़ी होगी, आप सब CBSE ICSE बोर्ड से हो, मैक्सिमम यूपी बोर्ड से भी है कोई है? मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ वैसे, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश उर्दू तमिल तेलुगु फारसी सब पढ़ लेते हैं हम। अरेबिक, अरेबिक आती है किसी को? नहीं आती, नहीं आती। अरेबिक में उन्हें क्या बोलते हैं? आती है तो अरेबिक, उर्दू आती है? क्या कह रहे हो? आती है थोड़ी बहुत उर्दू? चलो पूछें अभी थोड़ी देर में कुछ आपसे। खैर किसकी बात कर रहे थे हम? क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम। अच्छा हाँ, एक टाइप में आपको और करा देता हूँ, फिर सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं 1-2 जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सबके हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। मैंने आपसे कहा था थोड़ा पढ़ लीजिएगा घर जाके, पढ़े थे भी बच्चों? पढ़े थे, चलो पढ़े थे तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े तो आज पढ़ लीजिएगा, रब कर दूँ ना। अब सारे टाइप हो गए आपके, अब देखो नए टाइप के क्वेश्चन देख लो। हालांकि आपकी बुक में ही क्वेश्चन जो है ना बड़ा सिंपल सा है, बताना भी जो आप पीछे पूछे तो उसके नीचे एक क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन है, हाँ ये वाला कौन सा है? 49 है ना, 49 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल दे रखा है, वो तो ऊपर कोर दो और कर दो काम को। मैं इसका थोड़ा सा अच्छा लेवल करा देता हूँ, ताकि अगर बाई चांस ऐसा आ जाए, हो जाता है ऐसे कि आपके इसमें बुक में बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वहाँ पे थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ जाए तो मतलब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके 20 में से 20 आने चाहिए और टचवुड आ जाएंगे, पूरी मेहनत हम कर रहे हैं। और यहाँ तक जितने भी हमने 5, 6, 7, 8 क्लास जो भी ली होंगी, यहाँ तक आए होंगे, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आगे भी नहीं रहेगी, मतलब मेरा ऐसा ही मानना है। बाकी तो आपको जो भी दिक्कत हो बताएंगे हम, पढ़ाई से संबंधित कभी कहो जी हमें रातों को नींद नहीं आती, है ना। वही 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 क्या कह रहे, पढ़ना शुरू कर दो अपने आप आ जाएगी। चलो भैया एक क्वेश्चन लिख लो जवानों, और बस कोडिंग रिकॉर्डिंग कंप्लीट, बाकी वर्ड वन आउट करेंगे आपकी बुक से हम। मिल गया भाई, देखो जरा कॉपी कर लो इसे, सुनो इसके कुछ रूल होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप शानदार तरीके से कीजिएगा। तो कॉपी कर लो मेरे साथ ही, आप ऊपर लिखे हुए डिजिट या सिंबल, डिजिट और सिंबल, डिजिट और सिंबल लिखो भाई। अच्छा मैं कह रहा था इंग्लिश, हाँ इंग्लिश आपने पढ़ी होगी ना, बहुत बढ़िया। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट से पहले जैसे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, ए एन द, ऐसी बातें पढ़ी हैं आपने? बहुत बढ़िया। तो एन का यूज किससे पहले करते हैं? हाथ उठाओ। वोवेल से। बहुत गलत जवाब। हाँ आंसर है वोवेल साउंड से पहले, जैसे मैंने एमबीए किया हुआ है, जो कि मैंने किया हुआ है ना, वैसे मैंने एमबीए भी कर रखा, पता नहीं क्या क्या कर रखा मैंने, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने क्या क्या हुआ एमबीए, तो क्या बोलेंगे? एन। जबकि एमबीए क्या है? एमबीए तो कॉन्सोनेंट से शुरू है, ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के लिए क्या आएगा? ए। जबकि यूनिवर्सिटी किससे शुरू है? यू से। तो हम वोवेल साउंड से पहले यूज करते हैं क्या? एन आर्टिकल, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज करते हैं आ आर्टिकल, ठीक है, समझ गए ना? वोवेल से नहीं है, वरना यूनिवर्सिटी से पहले क्या आना चाहिए, या यूनिफॉर्म से पहले क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। अगर आप वोवेल कह रहे हो कि वोवेल से पहले हम एन लगाएंगे, तो यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म से पहले एन आना चाहिए, जो कि नहीं आता, क्योंकि रूल ये है ही नहीं। रूल क्या है? वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, हम वोवेल साउंड से पहले क्या यूज करते हैं? एन। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या यूज करते हैं हम? आ। यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ रही है बेटा, लेकिन यू की जो साउंड है ना वो वोवेल साउंड नहीं है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। चलो बाकी तो आप अंग्रेजी वाले मास्टर जी आपको पढ़ाएंगे, ये पढ़ाया होगा, ऐसे पूछ लिया था मैंने तो आपसे, पर मैं कुछ ही पूछ लूँ आप ना।
निराश कर देते हो क्या? कह रहे हैं ऐसा कुछ पूछ रहे, निराश ना करें हो। चलो तो ऐसा कुछ पूछ लेंगे भाई। देखो अभी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, फटाफट कॉपी कर लो भाई। इसके नीचे इनके अकॉर्ड भी लिखे हुए हैं, तो पहले लिखा हो भाई 5 9, ये कहा है भाई @ copyright 3 8 1। अच्छा बताओ एफिल टावर अभी 7 wonders में है कि नहीं है? बेटा फोटो देख लिया करो जरा। नहीं है बेटा, नहीं है, अब नहीं है। परसेंटेज आपको एक फोटो भेजता ना मैंने 7 wonders का, ऐसी मजे मजे से मैं, कि तुम कुछ GS का भी पढ़ लो। 6 रिकॉर्डिंग में तो नहीं आ रहा होगा जवानों, रिकॉर्डिंग वालों अभी दिखाएंगे रिकॉर्डिंग में अभी। और 6 के बाद है भाई स्टार, स्टार के बाद है 7। कॉपी खत्म होगी, पड़ोसी की कॉपी लिख लो। उसके बाद है डेल्टा एंड देन है हैश। देखो क्वेश्चन ऐसे क्या करें, 5 9 @ copyright 3 8 1। ये हल्का सा कैमरे का एंगल हल्का सा इधर को कर देना भाई, अनन्य करना जरा, हिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, हिलने से क्या दिक्कत है, इधर को कर दो बस, ये दिख जाएगा वहां तक धीरे से। अरे नहीं बस, अरे इसे ऐसे ऐसे। अच्छा हाँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये बात? आता तो सर बेटा तुम्हें, बहुत बढ़िया, देखो कर दिया तुमने। देखो BEPA बेटा, क्वेश्चन कर लो ठीक है। हैस काम गया भाई, यह डेल्टा ऐसे कुछ होता है मतलब। BEPA KDF, इनके कोड लिख लो बेटा। HQI RJUM RJUM VT। अगले क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कर ही लोगे, एक बार आपसे कॉपी कर लो फिर हम आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा लेकिन आंसर के लिए एक लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा भाई। @ लिख देता हूँ मैं 9 1 #26। बात है नहीं भाई, ये भी समझ लो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तुम्हें एक सप्ताह के लिए रेस्टिगेट भी किया जा सकता है। 3 8 7, अरे लीगल डॉक्यूमेंट तो करवा लेंगे हम तुमसे साइन। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन 4 @ अभी हट रहा हूँ बालिका। 3 1 2 delta चौथा क्वेश्चन है परसेंटेज 4 1 8 7 स्टार है भाई स्टार। और पांचवा क्वेश्चन है कहाँ गया भाई 9 1 2 4 9 1 2 4 delta 6 कर लो भाई ध्यान से। लास्ट में डेल्टा बोलते हैं उसे। अरे ये स्टार है, स्टार थोड़ा सा ये मतलब बुखार सा हो गया स्टार को, ये स्टार है ये। मतलब रिटन भाई बहुत बढ़िया। सर @ में क्या
एट द रेट के बराबर में कॉपीराइट। हाँ वही 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 बिल्कुल वही एट द रेट के बराबर वाला कॉपीराइट। सी सी के ऊपर वो कुछ कॉपीराइट बोलते हैं ना इसे। ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स जैसे आपको पता होगा इंडियन करेंसी का सिंबल क्या है पता है ना आपको। हाँ देखो ये है, ये इंडियन करेंसी का सिंबल है ये रुपी, जैसे क्या बोलते हैं रुपी सिंबल। ठीक है चलो किसने दिया था रुपी सिंबल इज गिवन बाय, मतलब आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको ये अच्छी बातें पता नहीं होनी चाहिए क्या। गांधी जी कह रहे गांधी जी। रुपी सिंबल इज गिवन बाय डी उदय कुमार और 2010 में आया था ये सिंबल, समझ रहे हो। उससे पहले कोई सिंबल नहीं होता था, बस रुपी लिखते थे या आर एस रेट के लिए, अभी कई जगह ये लिखा होता है। रिटन भाई कॉपी कर लिया, अब जरा इधर देखो ना क्या हूं मैं। देखो बच्चों अगर ये इनके डिजिट और सिंबल जो लिखे हुए हैं और इनके जो कोड लिखे हुए हैं अगर डायरेक्ट कैसे बताने हो तो कोई भी बता देगा। जैसे कि सपोज करो इनके कोड बताने हैं तो एट द रेट का कोड क्या हो जाएगा पी नाइन का, वहां से देख के सबके ऐसे देख के कोड लिखने हो तो फिर कोई भी कर देगा। आपकी बुक में शायद वो सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है सबके कोड ऐसे लिखने हैं शायद, है ना। जो आपकी बुक में 49 क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग वाले तुम भी समझ लो गल को, तो उसमें बिल्कुल सिंपल है शायद सबके कोड वही लिखने हैं, लेकिन इतना सिंपल जनरली एग्जाम में नहीं आता अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो। ठीक तो इसमें क्या होगा कुछ कंडीशंस गिवन है जो मैं अभी आपको लिखाऊंगा एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ ताकि आप इजीली समझ जाओ। सपोज करो ये कहा गया है कि अगर फर्स्ट और लास्ट सिंबल है तो उनके कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सपोज करो ये कंडीशन है, अभी है नहीं है मैं आपको लिखाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सपोज करो ये कंडीशन है कि अगर फर्स्ट और लास्ट सिंबल है उनके कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और बाकी के कोड वही रहेंगे, तो अगर इस रूल की बात करें तो इस पे लग जाएगा रूल, नहीं लगेगा। इस पे लगेगा, नहीं लगेगा। इस पे नहीं, ये केवल इस पे लगेगा रूल। ठीक है अब जब इस पे रूल लगेगा तो क्या होगा, परसेंटेज का कोड कहाँ पे है भाई क्यू, तो क्यू किसका कोड हो जाएगा स्टार का, क्योंकि मैंने अभी कंडीशन क्या दी इंटरचेंज हो जाएंगे। स्टार का कोड क्या है भाई यू, यू कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है अगर कह दे केवल फर्स्ट सिंबल है और लास्ट डिजिट है, यदि ये कह दे कि फर्स्ट सिंबल है और लास्ट डिजिट है तो इसमें रूल कह दे कि इसमें दोनों का कोड वही होगा जो लास्ट का कोड है, तो ये पहले पे लग जाएगा रूल। फर्स्ट सिंबल है और लास्ट डिजिट है तो ये क्या कह दे दोनों का कोड वही होगा जो लास्ट का है। तो अब एट द रेट का कोड हम पी नहीं लिखने के, जो सिक्स का कोड होगा और सिक्स का कोड है जे, तो वो सिक्स का कोड भी जे लिखा जाएगा और एट द रेट का भी क्या लिखा जाएगा जे। ठीक है अब सपोज करो ये पांच में से चार क्वेश्चन पे कंडीशन लग रही है जो दी हुई है, एक पे नहीं लग रही, तो जिस क्वेश्चन पे कंडीशन नहीं लगेंगी उसको बस सीधा ऊपर से देख के वही कॉपी कर देंगे। सपोज करो एग्जांपल के लिए कि इसमें कोई कंडीशन नहीं लग रही, जिसमें कोई कंडीशन नहीं लग रही तो इसके सबके कोड ऊपर देख के हम वही लिख देंगे जो इनके कोड लिखे हुए हैं। समझ में आ गई बात भाई, आ तो सकता है ना ऐसा, क्यों, क्योंकि आपकी बुक में पैटर्न दिया हुआ है और जब ऐसा आएगा तो इतना सिंपल आई होप सो नहीं आएगा। जब भी कोई जैसे आपका तीन या चार साल पहले जब ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें रीजनिंग वाला सेगमेंट, तो आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम जो भी पेपर होते हैं बड़े सिंपल आते हैं, लेकिन जैसे ऐसे टाइम बढ़ता जाता है वो टफ होते जाते हैं। तो अच्छा पढ़ो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और मुश्किल से 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, समझ रहे हो। चलो जी तो उम्मीद 20 में से 20 ही कर सकता हूँ ना आपसे मैं, बहुत बढ़िया। कंडीशन लिख लीजिएगा भाई, आप सब बड़े अच्छे बच्चे हैं और कंडीशन के हिसाब से फिर क्वेश्चन करने हैं। पहली कंडीशन लिखिए भाई जवानों, लिखिए इफ द फर्स्ट यूनिट इज एन इवन, ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग है भाई। इफ द फर्स्ट यूनिट इज एन इवन, इवन डिजिट मतलब जो दो से कट जाते हैं शायद वो होते हैं, मेरा मैथ तो खैर खराब सा है। इवन डिजिट एंड लास्ट यूनिट इज अ सिंबल, ये कह रहे हैं फर्स्ट है इवन, बोलना नहीं है अभी बच्चों, फर्स्ट है इवन और लास्ट है सिंबल। तो आगे कहा इन्होंने बोथ दीज आर टू बी कोडेड एज, बोथ दीज
आर टू बी कॉडेड एज कॉड फॉर द सिंबल. बोथ दीज आर टू बी कॉडेड एज कोड फॉर द सिंबल. तो दोनों का कोड वही होगा जो सिंबल का है. मतलब इसमें शॉर्ट में लिखें तो ये कह रहे हैं, इधर को लिख देते हैं भाई क्योंकि वो रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को दिख जाएगा. अरे हाँ ठीक है. ये शॉर्ट में ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्या है भाई, इवन. ये रूल नंबर वन यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट है इवन और लास्ट क्या कहा इन्होंने, सिंबल. तो ये कह रहे हैं बोथ दीज आर टू बी कोऑर्डिनेट कोड फॉर द सिंबल. तो दोनों कोड वही होगा जो सिंबल का है. तो यानी कि इसका कोड तो ये होगा ही, इसका कोड भी यही हो जाएगा. फर्स्ट है इवन और लास्ट है सिंबल, बोथ टू बी कोऑर्डिनेट कोड फॉर द सिंबल. हाँ जी, इस तरीके से हो जाएगा. रूल नंबर टू लिख लो भाई. इफ द फर्स्ट यूनिट इज एन ऑड डिजिट, इफ द फर्स्ट यूनिट is an odd digit and last unit is even. यानी कि first है odd और last है even. हाँ, बाकी जो बचे हुए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका कोड वही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, उसमें कोई रूल नहीं लगेगा. तो ये कह रहे हैं their codes are to be interchanged. यानी कि first odd है, last even है, तो इनके कोड क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे. ठीक, बहुत अच्छे. उसके बाद थर्ड कंडीशन कह रहे हैं, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट आर सिंबल. ये कह रहे हैं यदि फर्स्ट भी सिंबल है और लास्ट भी सिंबल है. इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट आर सिंबल, both these are to be coded as, both these are to be coded as rupee symbol. तो दोनों का कोड होगा भाई rupee symbol. अगर first और last दोनों symbol हैं तो दोनों का कोड होगा rupee symbol. अब देखो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, वरना अगर लिखा हो ना तो पहली बार में समझ में भी नहीं आएगा क्या करना है. लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन लिख भी दिया, समझा भी दिया और शॉर्ट में वहां भी लिख दिया. अब जिसमें रूल लग रहा है वो वैसे करो, बाकी का ऊपर देख के वही कोड लिख दो फटाफट करो. हाँ बहुत बढ़िया. करो भाई जवानों. चले भैया बातें हो गई, बहुत अच्छे लग रहा है तुम्हारी स्माइल से. हो गई बात, कर लिया आपने क्वेश्चन. करो भाई करो. हाँ बस रूपी सिंबल लिखे, चाहे इसमें हो या ना हो, तो कह दिया ना उन्होंने, तो उससे मैटर नहीं है. चलो भाई जवानों कर लिया होगा आई होप सो सबने, है ना. हाँ भाई बालिकाओं हो गया. हाँ जी, हाँ जिनमें कोई कंडीशन नहीं लग रही उनके सारे के कोड वही होंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं. जिसमें कोई कंडीशन नहीं लग रही उन सबके कोड वही होंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं. ठीक है भाई, बहुत अच्छी. देखो जरा, अब देखो पहली कंडीशन कह रहे हैं, पहला है इवन और लास्ट है सिंबल. इसमें लग रहा है, नहीं लग रही. इसमें लग रही है, नहीं लग रही. इसमें लग रही है, देखो
ये फर्स्ट कंडीशन जो है, ये फर्स्ट सेकेंड और इसे कर लेते हैं थर्ड, तो इसमें लग रही है। अब देखो दोनों कोड वही होगा सिंपल, डेल्टा कोड क्या वी, तो यहाँ भी आ जाएगा वी और यहाँ भी आ जाएगा वी। कई बार आपके एग्जाम में नहीं आते, बैंक क्यों टाइप में आते हैं, तो उसमें क्या होता है एक में दो क्वेश्चन, दो कंडीशन लग जाती है, लेकिन आपके में नहीं आने का, ठीक है ना, दो लग जाते हैं तो फिर उसके हिसाब से करते हैं। अब बाकी में क्या करेंगे, जिनके कोड ऊपर लिखे हैं वो लिख देंगे, तो मैं लिख नहीं रहा है ऐसे मैंने कर लिया है, तो इसका मतलब जो ऊपर उनके कोड लिखे हैं वही आएंगे। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं ऑड और इवन, तो देखो ऑड है और इवन है, इंटरचेंज आएंगे। सिक्स का कोड क्या है जे, यहाँ पे आ जाएगा भाई, और नाइन का कोड है ई, ये आ जाएगा यहाँ पे। बाकी ये कोड ऊपर देख के जो है वही लिख देंगे, जिनके जो कोड है वो वही लिख देंगे, ठीक है भाई। आगे देखो थर्ड कंडीशन है सिंबल, सिंबल यहाँ पे है नहीं, इसमें लग रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसका भी रुपी सिंबल हो जाएगा, इसका भी रुपी सिंबल हो जाएगा, और मैंने बताया रुपी सिंबल किसने दिया है भाई, डी उदय कुमार ने, 2010 में आया था ये, वैसे आपके एग्जाम में वो नहीं आएगी बात, तो ये हमने लिख लिए। अब इन पर कोई रूल नहीं लग रहा, कोई रूल नहीं लग रहा, तो बस जय माता दी कर देंगे यहाँ पे, देखो ठीक है ना, या जैसे भरते हो ना बी 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 सी 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 डी 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 डी, ऐसे भर देते हो ना, जब पता नहीं होता तुम्हें क्या भरना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जहाँ पे, कुछ महान लोग ऐसे होते हैं जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ भी, चलो क्या पता कुछ हो जाए, कर लोगे भाई। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन से आ जाओ भाई, अपनी ये जो बुक है कोडिंग डिकोडिंग ऑड वन आउट और सीरीज की, क्वेश्चन नंबर वन से शुरू कर लेते हैं हम। पीडीएफ में आप देखोगे ना, तो पीडीएफ में कुछ चीज़ें गलत हैं, लेकिन बुक जो आ रही है उसमें थोड़ी ठीक है आ गई, हालांकि उसमें स्लाइटली कुछ मिस्टेक्स हैं, पर पीडीएफ पुराने वाली बुक की है, और पुराने वाली जो बुक थी उसमें काफ़ी गलतियां थी, इंस्टीट्यूट की जो बुक थी आपकी। देखो भाई जानो पहला क्वेश्चन देखो, आई होप सो सब कर लेंगे। सिक्स से क्या हुआ है, इलेवन, जिनके पास बुक नहीं हो पड़ोसी से बुक का थोड़ा सा कर लो, देख लो भाई अरेंजमेंट से। देखो पहला क्वेश्चन नंबर वन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन इसमें देखो सिक्स से क्या हुआ इलेवन, इलेवन से क्या हुआ ट्वेंटी वन, कुछ समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है भाई। सिक्स से इलेवन हुए तो कितने प्लस हुए, फाइव, इलेवन से ट्वेंटी वन हुए कितने हुए टेन, अगर आप फिफ्टी हो जाए तो एक सीरीज बन जाएगी, तो आप देखो ट्वेंटी वन से थर्टी सिक्स हुए तो क्या होंगे फिफ्टीन, तो समझिए इसमें सीरीज क्या है, फाइव प्लस टेन प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा एट्टी वन, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, टेन से क्या हो गया भाई हंड्रेड, तो कितना प्लस हुआ नाइन, हो सकता है मल्टीप्लाई भी हो रहा हो या हो सकता है माइनस हो रहा है स्क्वायर हो रहा हो, लेकिन हम पहले देखेंगे तो सही क्या हो रहा है, तो नाइन्टी प्लस हुआ, फिर हंड्रेड से टू हंड्रेड, हंड्रेड प्लस हुआ, अब क्या हो गया हंड्रेड एंड टेन, तो अगले वाले में क्या प्लस होगा हंड्रेड एंड ट्वेंटी, तो नाइन्टी से स्टार्ट हो गए टेन टेन ऐड हो गए हैं, तो प्लस नाइन्टी प्लस हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड ट्वेंटी, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका 430, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर तीन देखो भाई, क्योंकि इसमें लगभग लगभग पैटर्न आ गए तो आप कर लोगे आप, जैसा अगर आपका क्वेश्चन आएगा इसमें है 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27 पीडीएफ में होगा लेकिन या बुक में है, नहीं नहीं 25 के बाद है कुछ बुक में, अच्छा 29 भी है, अच्छा मेरे पास पुराने वाला था ना उसमें 27 था, हाँ तो यहाँ पे 25 के बाद क्या आएगा भाई 29, ट्वेंटी फाइव के बाद आएगा 29 और 29 के बाद आएगा 31, ठीक है आप देख लीजिएगा जिसमें जो गलत सही हो, क्लियर है। उसके बाद देखो फोर, इसमें देखो सिक्स से क्या हुआ 12, तो कितने प्लस हुए सिक्स
12 से क्या हुआ 21, तो कितने प्लस हुए 9, उसके बाद 9 से 21 से क्या हो गया 33, तो कितने प्लस हुए 12, तो अब पहले 6 प्लस हुए, फिर 9, फिर 12, और 12 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो अब कितने प्लस हो गए 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 48। 5 देखो भाई, 5 सब सिंपल ही है लेकिन करने हमें सभी है, सिंपल टफ जो भी हो। इसमें 2 से हुआ 5, 5 से हुआ 9, तो क्या हुआ प्लस 3 से लेकर के फिर प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ऐसे हो रहा है इसमें, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 20, उसका आंसर है 20। हाँ दीपक नमस्ते, हाँ 10 से आज ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, 6 से क्या हुआ 11, इसमें सेम वही है जो पहले वाले क्वेश्चन में था, प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7, 7 में देखो 10 से क्या हुआ है 18, 18 से क्या हुआ है 28, तो इसमें 8 से शुरू होके प्लस 2 हो रहा है। अगर आपने घर जाके क्वेश्चन करे होंगे तो 8 से प्लस 2 पे शुरू हो रहा है, प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 का 70। यहां तक कोई दिक्कत 7 तक किसी को? 8 देखिए, 8 8 का बताओ भाई क्या हो रहा है, 8 में बोलना नहीं है, हाथ उठाओ, आप भी मेहनत कर लो, कुछ बोलना नहीं है, बताओ। मात्र 4 बच्चे बता रहे हैं, 5 6 आंसर नहीं बताना, आंसर तो तुम आंसर से इसमें देख के बता दोगे। अच्छा तुम बताओ, ब्लू टी शर्ट वाले भैया, देखो भैया बता रहे हैं, सुनो है जी, माइनस क्या हुआ, अनन्य बताओ बेटा क्या हो रहा है, अरे भैया सुन लो सुन लो। इसमें देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आप देख रहे होगे 120 99, फिर दिया हुआ है क्या आएगा 63 48 35, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिया ना, बिल्कुल ठीक बताया, एक्सीलेंट। अब देखो 35 है, तो लास्ट से हम देख रहे हैं 35 से कितना हुआ 48, तो क्या हुआ प्लस 13, उसके बाद दो दो प्लस करते रहना, तो 13 के बाद प्लस क्या हो गया 15, 15 में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 में दो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 19, और 19 में प्लस 2 करेंगे क्या हो गया 21। दोबारा समझो एक बार, लास्ट इन्होंने 13 से स्टार्टिंग की है और फिर 2 प्लस करके जो भी नंबर आ रहा है उतने जोड़ रहे हैं, तो 13 में 2 प्लस करेंगे कितना हो गया 15, तो नेक्स्ट में 15 प्लस किए हैं, अब 15 में 2 प्लस करो कितना हो गया 17, तो फिर 17 प्लस किए हैं, फिर 17 में 2 प्लस करो कितना हो गया 19, फिर 19 प्लस किए हैं, और इसका आंसर आ जाएगा 80, किसका ए का, ठीक है भाई। आज थोड़ा कम ही रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया है मेरी क्लासेस का, तो अभी आज यहीं तक रखते हैं ना, कल से पूरी कोशिश करेंगे और थोड़ा आ जाए जल्दी, ठीक है। तो आप मतलब कल नहीं, मतलब जब मेरी क्लास शायद टीटीएस में हो रही है अभी, तो सैटरडे मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद करते रहें। चलो भाई जवानों, आज लेते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।